हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? उठसो क्या आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी रेसिपी बाय सुमन दहिया। और आज हम इजी रेसिपी में बना रहे हैं साबूदाने की खीर। और आपको दिखाते हैं, साबूदाना हमने भिगो के रख दिया था 2 घंटे पहले, भीग गया है, एकदम सॉफ्ट हो रहा है। कुछ बादाम लिए हैं मैंने, किशमिश लिए है, पिस्ता लिया है। और बादाम को घोटने के लिए, पीसने के लिए ये भी लिया है। 2 चम्मच घी लिया है मैंने, जो हम कढ़ाई में डाल लेंगे अभी। और दूध मैंने गर्म करके रख लिया है, मीठा आपको बाद में दिखाते हैं, पहले हम शुरुआत करते हैं इसे बनाने की। अभी गैस जला लिया मैंने, कढ़ाई रख दिया है। अब हम कढ़ाई में घी डाल देते हैं। अब हम कढ़ाई में साबूदाना डाल देते हैं, जितना हमें चाहिए उतना ही साबूदाना ले लेंगे हम। 2 चमचे मैंने साबूदाना ले लिया है, थोड़ा सा और ले लेते हैं। इसे थोड़ा सा चला देते हैं घी के साथ। अभी दिखाते हैं आपको उबाल। हल्का सा साबूदाना भून लिया है मैंने कढ़ाई में डाल के। अब हम इसमें दूध डाल देते हैं, जो दूध हमने गर्म करके रख रखा है गैस पे। अब हम इसे चलाते रहेंगे, दूध बिना पानी का है, हमने दूध में पानी नहीं डालना है। ये देखो, जब हम साबूदाने को 2 घंटे के लिए भिगो देते हैं और थोड़ा सा घी में भून लेते हैं इसे, तो फिर ये कितना प्यारा हो जाता है। देखो, बहुत जल्दी खीर बन के तैयार होती है। अब हम इसमें दूध तो हमने पहले से ही पका के रखा था, इसमें हल्का सा उबाल, अभी जो इसमें उबाल आता है ना इतने इतने हम बादाम पीस लेते हैं। ये मैंने 10-12 बादाम ले लिए थे मैंने, और अब हम इसमें डाल के इन्हें पीस लेते हैं। साबूदाना देखो हमारा कितना अच्छा हो गया है, और दूध में भी अच्छे से घुल जाएगा। फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। किशमिश मैंने भिगो के रख दी थी पानी में, अभी बिल्कुल साफ हो गया। और साफ पानी में मैंने इसे 2 बार धो के फिर मैंने इसे साफ पानी में भिगो के रख दी थी। तो अब हम किशमिश तो डाल ही देते हैं, किशमिश डाल देते हैं। चला देते हैं, दूध में उबाल आ गया है। देखो कितना अच्छा, साबूदाना भी कितना अच्छा हो गया है। और यदि हम दूध कम और साबूदाना ज्यादा डाल लेंगे तो इतनी गाढ़ी खीर हो जाएगी कि उसमें कोई स्वाद नहीं आएगा खाने में। अभी इसको दिखाते हैं आपको थोड़ी सी देर बाद, बनने वाली है। अब ये खीर हमारी गाढ़ी होने लगी है। अब हम इसमें जो बादाम पीस के मैंने रखे थे वे डाल देती हूँ, और अब हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी होने के बाद में फिर ये इसमें और दोबारा दूध डालना पड़ता है, तो ये फिर इसमें कोई टेस्ट नहीं होता। गैस मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसे इसमें मीठा डाल लेंगे, वो 5 मिनट बाद डाल लेंगे, थोड़ा ठंडा होने के बाद में। इतने हम पिस्ता कूट लेते हैं, अच्छे से पिस्ते को पीस लेते हैं। अब हम इसमें मीठा डाल देते हैं, मीठे में आप चीनी भी डाल सकते हो, खांड भी डाल सकते हो, लेकिन मैं खांड डालती हूँ। और चला देते हैं ऐसे। मीठा डालने के बाद ये थोड़ी सी पतली हो जाती है, इसे अच्छे से गुड़ा देते हैं मीठे को। और अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ इसे। खीर मैंने सर्व कर दी है, ये देखो कितनी अच्छी खीर बनी है। और इतनी ही पतली रखना, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब हम इसमें चमचा निकाल देते हैं, इसमें डालते हैं हम 2-3 चम्मच पिस्ता। पिस्ता मैंने कूट लिया है,
बारीक कर लिया है। अब इसमें डालते हैं पिस्ता। खीर में पिस्ता डालने का, पिस्ता खाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। अब आप भी बनाना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।